बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज हम बात करते हैं जन्माष्टमी के बारे में। कान्हा के जन्मों का उत्सव जो है सारे दुनिया परंपरागत रूप से मनाते हैं। सारे विश्व में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं। भारत में तो मनाते ही है, भारत के अलावा भी बाहर विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि इस दिन कौन कौन सी उपाय करना चाहिए और जन्माष्टमी की के समय पूजा में कौन कौन सी ऐसे चीज़ रखना चाहिए जिससे आपको धन संपदा समृद्धि और सफलता मिलते रहे पूरे जीवन। ऐसे एक एक करके मैं क्या क्या पूजा में आपको रखना चाहिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको कान्हा की पूजा में चांदी की बांसुरी आपको ज़रूर, आपको कान्हा जी को उस दिन जन्माष्टमी के दिन, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसे भी हो, चांदी की एक बांसुरी जो है कान्हा जी को पूजा के समय अर्पित करना चाहिए। ये तो पहला जो कान्हा जी का पसंदीदा है। दूसरा जो है, कान्हा जी को माखन और मिश्री का भोग जरूर अर्पित कीजिएगा और उस भोग में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजिएगा। और आपके घर के आसपास या आपके रिलेटिव में कोई भी छोटा बच्ची हो बच्चा हो अगर है तो उनको माखन मिश्री का भोग थोड़ा सा उनके जीभ में उनके मुंह में आप लगा दीजिएगा। ऐसे करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप का पूजा उस दिन होते हैं। इसके अलावा हम भगवान की पूजा में हम झूला का लेकर हमें आना चाहिए। पूजा से पहले हमें घर में कैसे भी हो एक उस दिन जो है सुंदर सुसज्जित झूला लाकर उसमें कान्हा जी को बैठाना चाहिए जिसमें फूल लगा हुआ हो। ऐसे छोटा सा झूला आप कान्हा जी के लिए लेकर आइए और उसमें फूल से सजा दीजिए और उसी में भगवान कृष्ण को कान्हा जी को बैठा के आप पूजन कीजिए। इसके अलावा आपको कान्हा जी को कान्हा जी और बलराम जी को राखी बांधे इस दिन जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी या दोनों भाइयों को आपको राखी बांधना चाहिए। बलराम जी और कान्हा जी को राखी बांधना चाहिए, बहुत इससे भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी की उपयोग पूजा के समय ज़रूर हर जगह पे तुलसी का आप माला कान्हा जी को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं या फिर कान्हा जी की जो भोग आप लगा रहे हैं पूजन के समय जो भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता आप चढ़ा सकते हैं भोग में। इसके अलावा शंख के बात करते हैं तो जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का शंख से आप भगवान शंख के अंदर दूध डालकर भगवान कृष्ण का अभिषेक आपको करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं फल और अनाज के बारे में। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है आपको कोई भी धार्मिक स्थल में आपको अनाज और आपको फल का दान जरूर करना चाहिए, चाहे कम हो ज़्यादा हो आपको ऐसे करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आपको गाय और बछड़ा इस दिन आपको गाय और बछड़ा की प्रतिमा हो चाहे पीतल की हो चाहे चांदी का हो चाहे मिट्टी का हो, एक गाय और बछड़ा जो गाय का दूध पीते हुए एक बछड़ा घर में लाना चाहिए और भगवान कृष्ण के सामने रखिए, उनका भी धूप दीप से पूजन कीजिए। तो इससे करने से आपका अगर चिंता सतारे आपकी परेशान है बहुत ज़्यादा आपके किसी बात को लेके चिंता आपको परेशान कर रही है तो चिंता जो है ख़त्म हो जाएगा। रोज गाय और बछड़ा दूध पीते जो बछड़ा है उनका पूजन आपको रोज करना चाहिए। ऐसे करने से आपका चिंता दूर हो जाएगा, आपको शांति पीस इन सब ये मिलेगा आपको, तो आप चिंता से दूर हो जाएंगे आप। और इसके अलावा मोर पंख जो है, मोर पंख जो
श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले भगवान कृष्ण को एक छोटा सा मोर पंख चढ़ा सकते हैं अगर हो सके तो। जन्माष्टमी की पूजा में कान्हा की जो जहाँ पे आपकी पूजा घर है, पूजा घर में भी एक ही आप मोर पंख रख सकते हैं, इससे भी कान्हा खुश हो मतलब प्रसन्न हो जाएगा। इसके अलावा पारिजात की फूल जो है कान्हा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कान्हा की पूजन जो है शेफाली की फूल भी बोला जाता है, तो पारिजात और शेफाली की फूल का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अपनी पूजन में इन फूल का प्रयोग करना नहीं भूलिएगा। ऐसे करने से कान्हा श्री कृष्ण को आप दूध का भोग लगा सकते हैं, मक्खन मिश्री का, तो बाल गोपाल को आप उस दिन ज़रूर भोग लगाइएगा। इस दिन आप दूध का भोग लगाइए, खीर बनाइए, इस दिन केसर चुप्त खीर बनाइए, उसमें कान्हा जी को अर्पित कीजिए। ऐसे करने से देखिएगा आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बरकरार रहेगा। चलिए आज तो इतना ही, ऐसे ही और भी बहुत पूजा पाठ टोटका की बात लेकर आऊँगी। जब तक एस्ट्रो तक को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।